अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज भाई हम जिस स्टेज पे बैठे हैं जवारा गांव की चौपाड़ में बैठे हैं, परस में बैठे हैं, और हमारे साथ जो मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश के स्टार कबड्डी खिलाड़ी भाई प्रवीण फोर्ड, ओल्ड इज गोल्ड। और भाई आज उभरता हुआ कहूँगा मैं, इसने बीज उगर प्रवीण भाई ने गई थी दिनू ने, उभरता हुआ स्टार कैचर रवि दोरा का छोटा भाई अमना दोरा। और कोच साहब ने कौन नहीं जानता, मैं परिचय देना चाहूँगा, न्यूजीलैंड क्लब के मालिक बिट्टू बोले वाला, जो कबड्डी खिलाड़ियों के लिए मान लो एक अवतार हैं, जिनको कहीं भी जगह नहीं मिलती, जो बेचारे अपनी मेहनत ने छुपाते फिर रहे हैं भाई, इतने टॉप के प्लेयर हुए पाछे भी पहलवान जी वो स्टेज नहीं मिल पाती, उसके लिए जो काम करते हैं वो हैं ये बंदे। मैं ब्रह्मा भगवान कहूंगा तो कुछ कम नहीं है जी। हरियाणा कबड्डी में एक ब्रह्मा भगवान की तरह आए हैं और हरियाणा कबड्डी को बनाने के लिए अपना दिन रात एक कर रहे हैं। हरियाणा के इतने इतने प्लेयर कभी सोचा भी नहीं था जाऊंगे, अरे तो शुरुआत करी है, देखते रहो आगे आगे। और मैं बताना चाहूंगा पंजाब से हैं बिट्टू कोच साहब, और देखो पहले भी पंजाब वाले ने हमारे प्लेयर विदेश में भेजे हैं, राम एक दूसरे के साथ बढ़िया भाईचारा रहा है, लेकिन जब जब बिट्टू भाई का अवतार होया है उसके बाद तो भाई ने एक चीज और नहीं कहा, जड़ तो उठा ली जी, बिल्कुल एक जड़ तो उठा ली। पहले थे एक दो प्लेयर थे जो अपने पहले होया करते, पांच सात प्लेयर पहले थे, अनिल मोटे वाला जो सेट था वो था, उसके बाद सिल्लू खेला कई साल, उसके बाद अपना रवि आया क्या था, धनोरी वाला काला था, अच्छा जुगड़ी वाला विजेंद्र था, लेकिन वह बात नहीं थी जो ईब है, एक जड़ तक उठाएगा और ऊपर तक पहुँचाना, यू जो काम किया है यू उस्ताद बिट्टू भोले वालिया ने किया है, इस बार का काम किसी नहीं करे। और गारंटी गारंटी है या गारंटी किसी बात है, जो जबान दे दी नहीं तो वह एक न्यू नहीं कहा, अगर लोगों की लकीर खींच दी, जो जबान कर दी तो कर दी। एक भाई अपने देसी भाषा में एक कहावत होया करा है, एक बार एक सांग हो रहा था उसमें एक बात कही गई थी, अग भाई एक आदमी बैठा था नीचे और ऊपर सांगी था, सांगी बोले ऊपर था बोला मरद मुछाला और खागड़ झोटा बोला सिंगाला, वो आदमी उठे उसने बोला सुन रहे नचनिए मुछाला नहीं मर्द होया रहा जबान का और खागड़ झोटा कहंद का, तो असली मर्द असली इंसान है जबान के हैं पूरे के पूरे सो के सो। सत श्रीकाल भाजी, राम राम। सत श्रीकाल जी सारे जिन्हें भी मेरा भरा देख रहे चैनल फोटे लाइव टीम नो, मेरी भी सत श्रीकाल। सबसे पहले तो मैं ये जो आज आप हमारे स्टेज पे आए यहाँ बैठ के आपने हमारा मान बढ़ाया, हमारे भाई जो बड़ी मेहनत कर रहे थे संघर्ष कर लाग रहे थे उनको आप कनाडा तक लेके गए और इतना टॉप का प्रदर्शन आपने उनका कराया और इतना मान सम्मान करवाया, उसके लिए पूरे हमारे हरियाणा प्रदेश की तरफ से आपका ना तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत जी मेरी वालों भी धन्यवाद, जिन्हें भी मैं प्लेयर हरियाणा के भेजे इन्होंने मेरी बहुत इज्जत मनाई, टोर मनाई, बार भी मेरा माण बधाया, तो जिन्ना इतने हाजिर भैन भरा माता जिन्हें भी मतलब दर्शक है उन्होंने भी मैं बहुत इज्जत माण दिता, तो प्यार दिता, मैं इस गल का सदा इन्हों का ऋणी रहूँगा, तय दिनों धन्यवाद करना। वैसे आज दिनू का प्रोग्राम है, हाँ जी दिनू का मान सम्मान भाई जवारा गांव में 10 किलोमीटर आगे सराहने से इसको खुली गड्डी में लेके आए, तो सी भी साथ थे, हाँ जी तो कैसा लगे आज? बहुत बढ़िया लगे जी, पहली बार देखा मैं इन्ना इज्जत मान, 7-8 घंटे का सफ़र सी, पर रास्ते च भी जिदा जिन्हें भी पब्लिक सी माता सी जा बच्चे स्कूलों के बहुत ताड़िया मार के उन्होंने बहुत हौसला बढ़ाया, तो बहुत ज़्यादा वधिया लग्या। दिनू का गेम कैसा रहा? बहुत वधिया टीनू रहा, जिन्हें टीनू की गेम वधिया उन्ना ही इंसान वधिया, प्लेयर भी वधिया तो इंसान भी वधिया, बहुत वधिया खेडिया जी। आपने इसका भविष्य फ्यूचर कैसा लग है? बहुत वधिया लगता जी, जे इदा मेहनत करता रहा तो प्रैक्टिस करता रहा तो होर भी तरक्की करूँगा, होर भी गांह वधूँगा। ये एक छोटा भाई मेरे साथ जुड़ रहा है, मैं इसका गेम बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ पर्सनली, मैं मेरा बेस्ट कह सकते हो आप इसने, जब ये बिल्कुल हड़का सा था 60 किलो का तब भी 120 किलो के जफ्फे लगाया करता, तो इस अमन के बारे में क्या कहोगे? अमन तो बहुत वधिया खेडिया जी, अमन ने एक कम लिए भेजा सी दो करके आ गया, भेजा जाफी सी रेडर भी बन के आ गया, सब तो वधिया तो अमन खेडिया, हाँ जी अमन ने बहुत वधिया प्रदर्शन किया, बहुत वधिया खेडिया। अमन राम राम भाई, छोटे भाई राम राम भाई, अभिमन्यु मूवीज ध्यान देखने वाले सारे भाई हाथ जोड़कर राम राम। जो कर बढ़ाई करी बिट्टू भाई साहब ने आपकी, ये भाई हमने तो वो एक कैचर लेके गए थे कनाडा में, लेकिन एक रेडर का काम भी कराया, क्या कहोगे भाई साहब?
भाई बिट्टू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, तो कनाडा खिलाने के लिए बहुत योगदान करया, हर एक चीज़ में बहुत योगदान करा भाई परिवार। जैसे आज अमन ना भाई आप भी साथ में थे दिनू के, जब इसराना से वो मान सम्मान चल रहा, वो रोड शो चल रहा, तो क्योंकि आप भी विदेश में मेरे ख्याल पहली बार गए थे। हाँ जी पहली बार गया था भाई, क्योंकि रवि के तो जो आपका बड़ा भाई है हिंदुस्तान ज्ञान पान श्यान रवि द्वारा, उसके तो बड़े मान सम्मान पहले भी हुए हैं, लेकिन आज अपने गांव से पहले जुगर गांव में आज 4 बजे मैं आपको बताना चाहूँगा, आज ही 4 बजे दोरा गांव में अमन दोरागर इसके भाई का तगड़ा मान सम्मान होने वाला है, जैसा आज यहां था ऐसा ही, तो आपने तो पहले उसको फील कर लिया। हाँ भाई जवारा गांव ने बहुत प्यार दिया, मान सम्मान दिया, बहुत बहुत थैंक यू सारा गांव का। पहलवान जी जैसे कैसे ये तैयारी बैठी, भाई दिनू आओगा अमन आओगा बिट्टू उस्ताद आओगा तो एक रोड शो करा जाओ गांव की चौपाड़ में मान सम्मान करा जाओ? तैयारी त्यूरी तो कुछ नहीं पवन भाई, ऐसा होया जो करे जा रहा था देखा कर दे लाइव खेल दो देखा कर दे, तो मेरे तो दिमाग में यह बात पहले ही थी, नॉर्मल सी बात है, हमारे नौ बालक हैं, नौ उम्र के बालक हैं, खेल का नाम है तो अपने देश का नाम इतना ऊंचा करे हैं, मारा भी नाम इनके नाम गेल जुड़ रहा है, मारा मान सम्मान बड़ा गर्व था छाती चौड़ी हुआ है, तो इतना तो हमारे खतर बना है, मेरे दिमाग में यह बात पहले थी। बाकी हम दिल्ली थे, मैं प्रदीप काला भाई अपना कुराने थे और फौजी, हम तीनों थे गाड़ी में, तो मैंने उस टाइम तक न्यू नहीं बेरा था कदना होगा ही, बाकी इस बात का मैंने बेरा था मैं थोड़ा लगभग पूरे होने वाले हैं तो आने वाला है, थोड़ा बैठे थे तो फौजी न्यू थोड़ा खैसीगन शरमाहीगन बोले दिनू का के करना चाहिए, मैं बोले मैं के करना चाहिए कदना होगा, बोले उसका जो मान सम्मान मैं मान सम्मान का प्रोग्राम करांगे, बोले हाँ बस मैं पूछूँ था मैं पूछना के है इसमें करांगे, थोड़ा बैठे बैठे हमारी तीन भाई की बात हुई भाई कुकर के करना अपने सलाह बड़ी करी, तो पहले तो प्रोग्राम यूँ था भाई एड था इसराना आओगा यू दिल्ली था इसराना आओगा इसराना था एर जाओगा अपने घर प्रोग्राम था, उसके बाद काले घर प्रोग्राम था कराना और उसके बाद जवारा था, लेकिन भाई हमने अंदाजा लाया गर्मी ही ज़्यादा होने लगी तो थोड़ा लंबा रूट पड़ जा, लंबा रूट पड़ने में जो गेल वाले आदमी हैं वह खाम खा तंग हो जा, फिर दूसरी बात यह भाई इसका तो के था भाई उस्ताद जा रहा था मना रहा था तुम्हारे घर का बालक है कभी घर वाला एक दूध देंगे ना, तो और आदमी थे बस न्यू था मेरा भी न्यू थी भाई घर आऊँगे चाह पानी पीने का सेवा का थोड़ा हमने मौका मिल जाएगा, तो यही थी लेकिन फिर सोची भाई सेवा के मौके के तो ज़्यादा हमने ना परेशान कर देंगे, तो वो कैंसिल करके अपना इस राणा तरसी था जुआरा जुआरा अपना कहना चौपाल में जितना भी छोटा मोटा हो सकता तो दिल की गह रही होता बात छोटे घर बड्डे घर नहीं बात हो है जो दिल तक रह जावा दिल तय यू करा उस्ताद दौरा फोन कराया उस्ताद दौरा फोन कराया फौजी ने भी कराया रवि ने भी कराया, तो उस्ताद का काम पड़ा ज़्यादा जोर उस्ताद तब बात हुई उस्ताद बोला यार मेरा बुखार हो रहा था कई दिन वही बोला कंटिन्यू बहुत ज़्यादा कमजोरी आएगी, लेकिन उस्ताद ने यह बात कही मेरे बोलने से पहले जो दूसरी बात ही वाया कही बाकी प्रवीण ने तने बुलाए हाँ तो आप आवाएंगे भाई मना नहीं कर सकते, उस्ताद के लिए अपना लगभग 10 साल पुराना लाड है, 10 साल पहले 2012-13 में 8-10 साल पहले ही बात है मैं उस्ताद के लिए मैच खेल लिया था, उस टाइम भी उस्ताद न्यू थे प्लेयरा न्यू का डैर दे ऊपर ले जा रहे, लेकिन वह हमारी थोड़ी कमी रहेगी 2-3 मैच खेल गए और उसके बाद ऐड आ गए, क्योंकि जो बीच में हमने मिलाने वाला आदमी था ना उस्ताद तक मिलाए थे वो बीच में ही कवर करता रहा हमने उस्ताद के लिए सीधी बात नहीं होने दी, बाकी जो ये प्रोग्राम होया है इसका तो बस बैठे बैठे हूँ कुदरती प्रोग्राम बन गया था भाई जी। तो कोच साहब न्यूजीलैंड की स्टार्ट कैसे हुई? न्यूजीलैंड बेओ पलांटी दिनों से नवांशहर की टीम खेलती है, अपने प्रमोटर है तारी भाजी न्यूजीलैंड से गोखा भाजी कनेडा तो ब्रह्मटन तो बहुत वधिया टीम है जिदा साडे जिले की टीम है तो बहुत वधिया खेडती सारे प्लेयर आप कट्ठे ही खेडते हैं शीलू रवि टीनू अमन जिन्हें भी प्लेयर है सारे वे पलांटी न्यूजीलैंड से खेडते मेरे नाल। तो भाई अब मैं आपकी क्योंकि जैसे प्रवीण भाई ने बताई भाई गर्मी तो सही परेशान हो रहे हैं लोग तड़के के चल रहे हैं ये प्रोग्राम काफ़ी लंबा चल गया 2 मिनट दिनू की ओर लेंगे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो थैंक यू भाई सारे भाई है ना किसा लग गया आज बहुत बढ़िया लग गया भाई छोड़ा हो रहा है मजा आ गया। हाँ भाई अगला प्रोग्राम जल्दी सा एक और हाँ भाई बहुत थोड़ा होगा बिट्टू उस्ताद अपने के लिए इन नहीं आपा बाहर खड़ा है तो बिट्टू भाई फिर बाहर खिलाओगे अपन हाँ भाई कितने दिन बाद दोबारा मौका दोगे उस्ताद जी? देखो किस्मत है जी परमात्मा मैं कहना इदा टाइम दिता रहे सारे हर प्लेयर है जिन्हें भी सारे ये टाइम दिता रहा जी। तो भाई हरियाणा प्रदेश के स्टार कबड्डी खिलाड़ी भाई प्रवीण फौजी ओल्ड इज गोल्ड भाई बिट्टू भोलेवाला
दिन जो आ रहा जिसके मान सम्मान में जिस उपलक्ष में आज हम सारे इकट्ठे हुए भाई अमन देवरा भाई अमन, मैं आपको स्पेशल एक बार फिर कहना चाहूँगा भाई रवि को भी मेरी तरफ से सारे की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन करिए। और मैंने आज कुछ और भी सुनाया है कि प्रवीण पहलवान जी जाओगे मान सम्मान के लिए स्पेशल जाओगे भाई? हाँ जाओगे भाई, सब मान सम्मान के लिए जाओगे। बात इसी भाई जुगर रवि के लिए अपना लाड है भाई जमा गति निमाले सगे भाई भी बड़े का लाड है उसके के लिए एक छोटे भाई की डाला तो उसका बहुत लंबे टाइम तक इंतजार कर रहे थे वो कनाडा खेलने जावे। शुरू खेलने गया उस टाइम बार मैं पढ़ा करता उस टाइम तो मैं जानू नहीं था उसने। उसके बाद अगली बार की हुआ उसने जाना था तो उसके गोडे में सट बज गई थी उस्ताद थे रोहतक खेडया सी तो लिगामेंट टूट गया सी ते ओदे तो बाद फिर ओदा 10 साल का वीज़ा लग गया सी ते वो कैंसल हो गया। उसके बाद 2 साल उसके कोरोना ने खराब कर दिए भाई। तो मारा तो मतलब सब तब बड़ी तो नहीं हो रही थी बस एक बार जनों कुकरी कनाडा इधर थी खेला गया मौका जरूर ला गया लेकिन मैं नहीं कहूंगा उसका लक कनाडा के नाम पर उसका साथ नहीं देता। दाइब का खेल गना आया लिगामेंट टूट गया भाई का फिर चोट है लिगामेंट टूट गया भाई ऑपरेशन होगा तो इब का फिर लिगामेंट टूट गया। तो जिस दिन जाओ था तो इज्जत भी अपनी बड़ी करा है भाई तो जिस दिन जाओ था तो जो जाते टाइम भी घर आया मिलन आया अगर पलान जी मैं जाऊँ कनाडा खेलने तो मैंने उसने कहा था मैं जब कनाडा सीजन का बेस्ट रहेगा तो एन का तरह 1 लाख के मान सम्मान करूंगा और जब सीजन का और वर्ल्ड कप का दोनों का बेस्ट होगा तो तेरा 2 लाख के मान सम्मान करूंगा। मान सम्मान पीछे ही तो कोई बात नहीं हुआ कर दिया तो एक बड़ा हौसला बढ़ाने की बात हो जा रहा है। वो बोला उस्ताद पीछे ही कोई नहीं बोला जितने तेरे हैं उतने मेरे हैं तेरे मेरे मेरे में कोई फर्क नहीं मतलब बाकी मैं समझ गया तू के कहना चाहो बोले मांगा ला दूंगा। खेल लिया वो ट्रेंटो सीजन खेल लिया ट्रेंटो सीजन में बेस्ट रहा वो। उसके बाद उसका लिगामेंट टूट गया भगवान के बेरा उसका वर्ल्ड कप में भी बेस्ट आंदा जो आंकड़ा के हिसाब से तो आंदा ही नहीं चोट लगती तो वैनकोर का बेस्ट आंदा और हर सीजन का बेस्ट आंदा बाकी उसकी किस्मत में था जो ओ उसके के लिए होया है ट्रेंटो सीजन का बेस्ट रहा वहाँ पर बहुत खुशी हुई उस चीज़ पर मतलब ईसा एक मतलब दिल नहीं कर रहा था जो इस तक के दे दूँ तो दिमाग ने थोड़ा हक्का दिमाग तक भी चलना पड़ा दिमाग ने थोड़ा काम करे इसी चीज़ दे दे इसके कैम भी हवा है और पारी हुई भी ना मतलब यूज भी कर दी हुई बढ़िया अलग है और मेरा भी दिल संतुष्ट हो जाए तो इस करके भाई आपा ने उसके खातर छह तोड़ा की सोने की चैन बनवाई तो उस चैन तो उसने मान उसका मान सम्मान करांगे सम्मानित करांगे छोटे भाई ने बाकी चैन चुनाला कोई मैटर नहीं मेन बात मान सम्मान की हुआ दिल तक मान सम्मान करांगे उसका आगे भी करते रहेंगे जब तक कबड्डी खेल लेगा या ना खेल लेगा वो अपना भाई है भाई था भाई रहेगा उसके गली उसके भले टाइम में भी उसके बुरे टाइम में भी कंधे कंधा मिला के उसके गली खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे भाई। देखा ये है कबड्डी का जलवा भाई मैं जितने भी प्लेयर मारे कबड्डी खिलाड़ी जो इस सीजन में विदेश खेल का है चाहे वो किसी भी देश में जागा अपने कबड्डी के जलवे बखेर का है सबको भाई मुबारकबाद देना चाहूँगा और भाई नू कहेंगे भाई ये भी खेलने जाऊँ विदेशा में और जितने हमारे भाई हैं कबड्डी खेल रहे वो भी विदेशा में कबड्डी का नाम रोशन करें देश का नाम रोशन करें तो भाई सबको धन्यवाद थैंक यू सर जी जी एक बार सारे अपने हरियाणा के जितने भी प्लेयर हैं नए प्लेयर हैं सब तक एक वादा करना चाहूँगा मैं उस्ताद तो बिना पूछो एक वादा करूँ हूँ उस्ताद के दम पे जोन सा तगड़ा खेल लेगा जिसमें दम होगा जो तगड़ा खेल लेगा वो कनाडा खेल लेगा भाई उसमें यूँ नहीं देखा जाएगा यू गरीब है यू अमीर है यू के कर है यू के ना कर जो तगड़ा खेल लेगा वो कनाडा खेल लेगा भाई। इस चीज़ का एक प्रोमिस एक वादा मैं करूँ हूँ उस्ताद के दम पे करूँ खुला होगा उस्ताद लेकिन मैंने इतना विश्वास है इनके के लिए बिना बात करूँ मेरे मुँह तो यह बात लाइव में लिखड़ गई यह सारी दुनिया में चली गई ठीक है उस्ताद तो पूछे नहीं लेकिन मैंने इस चीज़ का विश्वास है अगर मेरी जबान पुकारने खातर उस्ताद अपना पूरा दम ला देंगे जी तो भाई सोगा तोड़ यो है अगर भाई जिसकी पटा में दम होगा और जो तगड़ा खेल लगा ईमानदारी से खेल लगा उसने किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं रहेगी ना किसी के रुपये की जरूरत गलत नहीं होते भाई किसी के लिए भी गलत नहीं होते जो जिसकी कबड्डी खेलेगा नहीं उसका पूरा मूल मोड़ांगे। पंजाब में जो जो प्लेयर जिसकी कबड्डी खेल रहे हैं नहीं जो लाखा का हो लाखा में जो करोड़ा का हो करोड़ा में तो जो अपना लाखा का है नहीं उसने 1.25 लाख में तोड़ लांगे जो करोड़ का उन्हें 1.25 करोड़ में तोड़ लांगे मतलब उसकी मेहनत का पूरा मूल मिलेगा उसने लेकिन खेलना पड़ेगा तगड़ा भाई न्यू को नहीं है जाकर खड़े हुए तो कनाडा खेला जावा है अग्नि खेलना तगड़ा पड़ेगा अपना के काम है भाई उस्ताद है आपने कहना उस्ताद है उस्ताद उस हीरे ने ठहक है इमन आपने बताया था हीरा है समुन्द्र में पड़ा रहो मट्टी में पड़ा रहो उड़े ठहकन लेना और अंगूठी में परोना गले में लॉकेट में परोना यह काम उस्ताद करेगा लेकिन उस्ताद तो हमने को आगे ठहक नाम देवांगे ल उस्ताद यू ही रहा है प्रो देश में तो जब वाक्य में हीरा होगा नहीं तो उस्ताद उन्हें प्रो देगा। तो भाई जैसे हरियाणा प्रदेश के स्टार कबड्डी खिलाड़ी आज सारे हमारे साथ बैठे थे और जैसे पहलवान ने कही हमारी भी छाती चौड़ी हो जाए जब भाई हमारे भाई विदेश में
काम बांध गांव हरनुकती रुके की कबड्डी खेल गांव। तो बस सारे भैया ने कहना चाहूंगा वीडियो आपने देख ली, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जय हिंद, जय हरियाणा, जय कबड्डी।